इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 यहाँ पर हम दफन कर सकते हैं। इनका जो पॉपुलेशन है वो देखकर हमें बराबर मिलनी चाहिए। एक बॉडी दफन हो जाएगी तो समझो आपके नाम पे हो गई। करीबन 800 से ज्यादा बॉडीज है, एक के ऊपर एक हमें करना पड़ता है। आप हमें ये देना चाहते हो तो लीगल डॉक्यूमेंट पे आप हमको दे दो, हमको लॉलीपॉप मत दो। टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में एक बार फिर कब्रिस्तान का मुद्दा सामने आया है, मगर इस बार क्रिश्चियन दफन भूमि का ये मामला है। दरअसल क्रिश्चियन समाज इलीगल दफन भूमि का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर बार हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, मगर अब हमें लीगल दफन भूमि चाहिए। ऐसा कहना क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जीतू राठौर और मुमरा संगठन के सेक्रेटरी डेविड पुनेकर ने कहा है। दरअसल इनकी मांग है कि जो मनपा पानी पुरवठा विभाग के पीछे क्रिश्चियन दफन भूमि दी गई है, वो भी दफन भूमि इलीगल है और उन्हें लीगल करके उन्हें सौंपा जाए। और अब एमएम वली में जो 9.5 गुंठा जमीन क्रिश्चियन समाज के लिए दिया गया है वो भी इलीगल है। वहीं ये भी बताया गया है कि मनपा अधिकारी ने उनके फादर को बुलाकर दफन भूमि के गेट की चाबी दी है, जिसके ये लोग खिलाफ हैं। और इनका कहना है कि इस तरह की इलीगल दफन भूमि हमें नहीं चाहिए, या तो इसी दफन भूमि को लीगल तरीके से हमें सौंपा जाए। वहीं जीतू राठौर का कहना है कि हमने फादर से भी बात की है और हम चाबी वापस दे देंगे। कलवा मुमरा में लगभग करीब 25,000 से भी ज़्यादा क्रिश्चियन समाज के लोग रहते हैं। इनका कहना है कि एक तरह से इलीगल दफन भूमि दी जा रही है, ऊपर से ये जमीन भी कम है। इस पूरे मामले में क्या कहा है जीतू राठौर और डेविड पुनेकर ने? जीतू भाई, क्या पूरा मामला है आप लोग के जो दफन भूमि है इसको लेकर क्या आप लोग कह रहे हैं? देखिए, मुमरा, कलवा, दीवा और डायगर, इन सभी जगह के लिए मुमरा में मिलकर एक ही क्रिश्चियन समाज का कब्रिस्तान था, जो कि फायर ब्रिगेड के पीछे है। लगभग 7, 6, 8 ऐसा कुछ तो गुंटा जमीन है, उसके अंदर भी चैपल बांधा है लगभग 1 गुंटा के अंदर, तो वो कम हो गया। लगभग वो भी भरते हुए आ रहा है। और वो जो जमीन हमारे पास में थी वो 70-75 से हमारे जो लोग थे वो लोग वहाँ पर लोगों को बरियल कर रहे हैं, लेकिन उसका भी अलॉटमेंट हमारे पास में अभी तक नहीं है। उसके बाद में मित्तल ये ग्राउंड पर, ये जगह पर हमारे लिए एक जमीन का बताया गया कि क्रिश्चियन समाज को भी दी जाने वाली है, जिसके लिए हमारा कहना था कि ये जमीन हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमें लिखित रूप में इसका जो 7-12 या जो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड कर इसको मिलना चाहिए, लिखित में दिया जाए, जो कि ऐसा हुआ नहीं है। ये जमीन ऑलरेडी छोटी है, इसमें हमारा पूरा सर्वे हुआ है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 यहाँ पर हम दफन कर सकते हैं। 100-150 मतलब 1-1.5 साल के अंदर ये जमीन भी भर जाने वाली है। कितनी जगह है ये? ये लगभग 8.5-9 गुंटा जमीन है, ये इतनी सी जमीन है जिसमें 100-150 लोगों का बरियल इसके अंदर होगा। एक बरियल होने के बाद में 2 से 3 साल तक हम उस जगह पर दूसरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको डिस्कम्पोज होने में और ये सब चीज़ में टाइम आ जाते हैं। लेकिन अभी हुआ क्या है, हमारे पत्र व्यवहार हुए हैं कि हमको बड़ी जमीन चाहिए और ये सब, इस बीच में कुछ यहाँ के अधिकारियों ने हमारे एक फादर को या कुछ लोगों को बुलाकर उनको इस स्थान की चाबी उन्होंने दे दी है कि आप लोग क्या करो, इसके अंदर बरियल चालू कर दो। अब हमारा कहना ये है, मेरा महानगर पालिका थाना महानगर पालिका आयुक्त से सवाल है, क्या कोई भी प्रशासकीय अधिकारी, चाहे यहाँ के डिप्यूटी हो मुमरा के या यहाँ के इंजीनियर हो, उनके पास में इतनी ताकत है कि जो जमीन अलॉट ही नहीं हुई है, जो जमीन के 7-12 के ऊपर या इन सारी चीज़ों के ऊपर ग्रेवयार्ड करके लिखा ही नहीं गया है, हुआ ही नहीं है, वो लोगों को बुलाकर वो चाबी बांट देते हैं कि आप खाली एक कर दो, उसके बाद में हम देख लेंगे। एक अंधा कानून तो नहीं है। एक कर दो का क्या? एक कर दो, एक एक ग्रेव, एक आप आकर यहाँ पर बरियल कर दो, वो फिर एक बॉडी दफन हो जाएगी तो वो समझो आपके नाम पे हो गई। अच्छा,
तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, वैसे तो हम हमारे संगठन अभी तक ये जो कब्रिस्तान है इसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दिया नहीं गया है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमको दिया नहीं गया है इसका। तो जिस फादर को चाबी दिया गया है उस फादर से भी क्या आपकी बात हुई? देखिए फादर जो है उनसे मेरी मुलाकात आज भी हुई है, आपसे पहले भी बातचीत हुई है, हमारे उनके साथ में बातचीत हुई है। फादर का कहना यह है कि हमको बुलाया गया था कि एक मीटिंग होगी बातचीत करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई बातचीत नहीं हुई है। जैसा रेस्पॉन्स चाहिए था वैसा रेस्पॉन्स भी नहीं मिला है, और अचानक में ए चाबी क्यों नहीं, चल चाबी दे उठा का, और ऐसा करके उनको चाबी हाथ में दे दी है। किसने दिया है चाबी? ये यहाँ के जो अधिकारी हैं और यहाँ के कुछ नेता, आपको मालूम है सब कुछ, उनके द्वारा ये सारा काम हुआ है। लेकिन मेरा यही है, क्या कोई भी ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है वहाँ की आप चाबी बनाकर यहाँ के अधिकारी देकर बिल्डिंग बनाने के लिए दे देंगे क्या? अच्छा, इसे क्रिश्चियन समाज में दो कम्युनिटी है, तो ये दोनों कम्युनिटी को दिया गया था क्या ये कब्रिस्तान? देखिए क्रिश्चियन समाज के अंदर प्रोटेस्टेंट समाज होता है, कैथोलिक समाज है, इस प्रकार से काम चलता है। लेकिन हम दोनों समाज के लिए ये जमीन दी जानी थी। यहाँ पर हमारा पहले बातचीत हुई है, हमारी मीटिंग हुई है फादर लोगों के साथ भी, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग अलग हमको नहीं चाहिए, क्योंकि मरने के बाद आदमी एक ही जगह पे जाता है, तो उसके लिए कैथोलिक अलग होगा प्रोटेस्टेंट अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीन छोटी है, लेकिन बात ये थी कि हमको ये अगर आप दे रहे हैं तो लीगल में दें, और इसके अलावा और हमने 30 गुंटा जमीन की या 1 एकड़ जमीन की मांग की हुई है, जो हमने पत्र महापौर जी को दिया हुआ है, खासदार हैं हमारे यहाँ के, नगर विकास के मंत्री हैं उनको दिया हुआ है, सभी लोगों को हमने वो पत्र दिया हुआ है। तो वो पत्र व्यवहार आपसे कब से चल रहा है? उनसे लगभग अभी कुछ दिनों से हमारी उससे सारी बातों के ऊपर बातचीत हुई है। सब मिला जुला के अभी जो ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान की जो चाबी दी गई है, क्या आप लोग उस चाबी को रिटर्न देंगे या फिर ये कब्रिस्तान ही लेंगे? देखिए अभी हमारी बातचीत हो चुकी है फादर के साथ में, अभी 1-1.5 घंटा पहले बातचीत हुई है। हमारा प्लानिंग ये है, जो चाबी हमको दी गई है ना बताते हुए, वो चाबी हम 10 लोगों के सामने दी गई है। हमारा संगठन 500 लोगों को जाकर, 500 लोगों को ले जाकर जिन्होंने हमें दिए, हम उसको रिटर्न कर देंगे और कहेंगे कि साहब ठीक है, हाल फिलहाल आप हमें ये देना चाहते हो तो लीगल डॉक्यूमेंट पे आप हमको दे दो, हमको लॉलीपॉप मत दो। हर बार लॉलीपॉप समाज को मिलता रहेगा, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी हाथ जोड़कर विनंती है, नम्र विनंती है कि आप जो भी कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे धार्मिक हमारे सेंटीमेंट से जुड़ी हुई बातें हैं, तो इसके साथ में प्लेइंग गेम नहीं होना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। आपको मिलना चाहिए लीगल तरीके से, हमको मिलना चाहिए जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है। दीवा और मुमरा, उसमें जो प्रोटेस्टेंट समाज के जो चर्चेस है जो अलग अलग जगह में चलते हैं वो करीबन 40 है, और कैथलिक समाज के जो है कैथलिक समाज का सिर्फ यहाँ पर 2 ही चर्च है, एक है सेंट जोसेफ और एक दूसरा है वो मलयाली लोगों का है, तो उसके बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन कैथलिक जो उठ के दिख के आने वाला चर्च जो है वो सेंट जोसेफ है। और हमारी जो आबादी है ये करीबन, हम लोग अगर रेती बंदर से लेके कल्याण फाटा, डाइघर और दीवा, कलवा, मुमरा अगर ये पकड़ेंगे तो करीबन यहाँ पर 40 से 50 चर्चेस है, और ये सब इंडिपेंडेंट प्रोटेस्टेंट चर्चेस है, और उनके मेंबर्स यहाँ सब बिखरे हुए हैं, और ये सारे जो लोग हैं वो यही मुमरा में दफन किए जाते हैं। जो सारे कलवा, दीवा, मुमरा के जितने भी प्रोटेस्टेंट हैं उनके लिए ये मुमरा की जो दफन विधि है सारे यहाँ पर होते हैं, जो फायर ब्रिगेड के पीछे है वहाँ पर होते हैं, और वहाँ का भी कब्रिस्तान लगभग फुल हो चुका है, करीबन 800 से ज़्यादा बॉडीज़ है, एक के ऊपर एक हमें करना पड़ता है, और जो कब्रिस्तान के साइड का प्लॉट है जो ओपन प्लॉट है अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, सो इस तरह से जगह बहुत कम पड़ रही है। और दूसरी बात, अभी कैथलिक समाज जो भी है डिमांड कर रहा है, तो उनके स्टैटिस्टिक के हिसाब से उनके करीबन कल्याण फाटा तक करीबन 1200 लोग है, मतलब जो कैथलिक समाज का जो एक चर्च है सेंट जोसेफ, उनके कुल मिला के 1200 वहाँ पर लोग हैं। तो ऐसे अगर आप पकड़ेंगे तो अंदाजन मेरे हिसाब से 25 से 30 हज़ार की आबादी है, मतलब क्रिश्चियन को, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों को मिलाकर ये करीबन ये 25 से 30 हज़ार की आबादी है। तो इसलिए जो जगह है वो अलॉट जो की गई वो बहुत कम है, और हमें कई बार क्या करना पड़ता है, बॉडी को निकाल के एक के ऊपर एक ऐसे हमको करना पड़ता है। इवन म्यूनसिपैलिटी के लोग भी हमें बताते हैं कि ये जगह बहुत कम पड़ गई, अभी इसमें और कितना करेंगे। तो हमारा ये
समस्या है कि क्या रहेगी, अभी क्या मांग रहेगी कि जो कब्रिस्तान है क्या आपको लीगल तरीके से चाहिए या जो मिला है यही लेंगे आप? अभी जो भी हमें देना दे रहे हो लोग, तो एक तो बड़ा होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। आप दोनों समाजों को सामने रख के देखिए, कैथलिक प्रोटेस्टेंट, पहले से यहाँ पर क्या था, कैथलिक लोग यहाँ पर नहीं करते थे, जो सेंट जोसेफ के लोग जो थे यहाँ पर नहीं करते थे, वो लोग थाना में करते थे, लेकिन अभी उनको भी यहाँ पर जरूरत है। तो अभी इन दोनों समाजों को लेकर जगह की कमी वहाँ भी है, जगह की कमी वहाँ भी है। तो जो भी हमें सरकार देना चाहती है तो पूरी तरह से लीगल प्रॉपर देना चाहिए। ये दोनों समाजों को मिलकर इनका जो पॉपुलेशन है वो देखकर हमें बराबर मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है।